नमस्कार दोस्तों, वर्तमान एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, 5 नवंबर 2019 को गुरु का गोचर धनु राशि में हुआ था। उसके प्रभावों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। 30 मार्च 2020 को गुरु अतिचारी होने के कारण मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 30 जून 2020 तक यहीं पर रहेंगे। आज हम गुरु के इस मकर राशि के गोचर के विषय में बात करेंगे कि गुरु के इस गोचर के सभी लग्नों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, हमारी कुंडली में हम सभी शुभ कार्य बृहस्पति से ही देखते हैं और बृहस्पति से ही हम यह भी अनुमान लगाते हैं कि यह पूरा साल हमारे लिए कैसा जाने वाला है, क्योंकि गुरु किसी भी राशि में करीब 12 से 13 महीने तक रहते हैं और अपने शुभ प्रभाव वहाँ पर छोड़ते हैं। अब सवाल यह है कि गुरु का 147 दिन बाद ही मकर राशि में गोचर कैसे हो गया। दोस्तों, गुरु बहुत ही फास्ट मूविंग प्लैनेट हैं और अपनी तेज गति के कारण यह गोचर करते हुए करीब 5 महीने बाद ही धनु राशि से मकर राशि में गोचर करेंगे। और जब उनको पता चलेगा कि वो समय से पहले ही मकर राशि में प्रवेश कर गए हैं, तब वे अपनी स्पीड पर कंट्रोल करेंगे और वापस धनु राशि में जाएंगे। इस प्रक्रिया में करीब उनको 3 महीने का वक्त लग जाएगा और वे 30 जून को वापस धनु राशि में गोचर करेंगे। इसे ही हम ग्रह का वक्री होना भी कहते हैं। जब समय से पहले कोई ग्रह अपनी अगली राशि में प्रवेश कर जाता है तो फिर उसे वापस उसी राशि में जाना पड़ता है। उसे ही ग्रह का वक्री होना कहा जाता है। किसी भी ग्रह के बारे में जानने के लिए कि उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमें PAC के फार्मूले के अकॉर्डिंग चलना होता है। सबसे पहले हम प्लेसमेंट यानी कि ग्रह कौन से भाव में बैठा है, 6, 8, 12 में तो नहीं है। फिर हम एस्पेक्ट यानी कि उस पर किस ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, पाप ग्रह की दृष्टि तो नहीं है या शुभ ग्रह की दृष्टि है। और तीसरा है कंजक्शन, यानी कि वह ग्रह किस ग्रह के साथ में युति बनाकर बैठा है। उसी से हम किसी भी ग्रह के प्रभावों की सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस बार गुरु का यह गोचर मकर राशि में होने जा रहा है और मकर राशि में गुरु नीच के होते हैं। और जब गुरु नीच के होते हैं तो जातक में ज्ञान की कमी, संतान संबंधी समस्या व धन संबंधी समस्या उत्पन्न होने लगती है, क्योंकि गुरु मुख्यतः धन, ज्ञान व संतान के कारक माने जाते हैं। किंतु 30 मार्च 2020 में गुरु के मकर राशि के गोचर में आपको गुरु के अशुभ प्रभाव नहीं होंगे, क्योंकि 24 जनवरी 2020 से मकर राशि के स्वामी शनि स्वयं अपनी राशि में आकर बैठ चुके हैं। और जब किसी राशि का स्वामी स्वयं अपने भाव में होता है तो उस राशि में होने वाले ग्रह का नीचत्व उस भाव में आने पर भंग हो जाता है और वह नीच भंग राजयोग बन जाता है। यानी कि उस भाव में गोचर के जो प्रभाव जातक को अशुभ मिलने थे वह अशुभ ना होकर शुभ हो जाते हैं और जातक उन विपरीत परिस्थितियों से पार पा जाता है। ऐसा नहीं है कि उसके सामने विपरीत परिस्थितियां नहीं आएंगी, वह परिस्थितियां उसके सामने आएंगी किंतु वह उनसे तुरंत ही बाहर निकल जाएगा। मान लीजिए कि आपका कोई झगड़ा ही हो जाता है तो आपके 3-4 लोग वहां पर जानने वाले मिल जाते हैं और वह तुरंत ही ख़त्म हो जाता है। इस तरीके से विपत्ति आकर भी नहीं आती और यही झगड़ा ग्रह की खराब स्थिति में काफ़ी हद तक बढ़ जाता है और आपका बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न के जातकों के बारे में। मेष लग्न के जातकों के लिए गुरु का यह गोचर दशम भाव में होने जा रहा है। दशम भाव में शनि पहले ही शशयोग बनाकर बैठे हैं और वहाँ पर गुरु का साथ मिलने से शनि के प्रभावों में भी तेज़ी आ जाएगी। गुरु अपने ही दृष्ट भावों पर तो शुभ प्रभाव देंगे ही, साथ ही शनि से युति के कारण शनि की दृष्टि जिन भावों पर पड़ रही है उस पर भी अपने शुभ प्रभाव देंगे। दशम भाव पर गुरु के गोचर से आपको आपके कार्य क्षेत्र में, व्यापार व जॉब में शुभ लक्षण दिखने शुरू हो जाएंगे। व्यापार में लाभ, धन में बढ़ोतरी, जॉब में प्रमोशन सब आपको इस समय में मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। कार्य क्षेत्र में यदि आप कोई समस्या महसूस कर रहे थे तो वह भी अब दूर हो जाएगी, आपके विरोधी परास्त हो जाएंगे। गुरु की 5वीं दृष्टि धन भाव पर होने से आपके पास इस समय में धन की कमी नहीं रहेगी, पैसा आने का फ्लो बना रहेगा, कुटुंब के लोगों से अच्छे संबंध रहेंगे, वाणी में मिठास रहेगी। परिवार के बीच यदि कोई तनाव चल रहा था तो वह इस समय में ख़त्म हो जाएगा
आपके परिवार की तरफ से भी आपको कोई लाभ मिल सकता है। गुरु की सात्विक दृष्टि चौथे भाव पर होगी। यह भाव माता, भूमि, वाहन व सारे सुखों का व मन का भी भाव है। इस भाव पर गुरु की दृष्टि आपको सारे सुख साधनों में बढ़ोतरी करवाएगी। आपकी कोई रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने की काफ़ी लंबे समय से चली आ रही प्लानिंग इस समय में सक्सेस हो जाएगी, या आप अपने ऑफिस में या घर पर रिनोवेशन, नया फर्नीचर वगैरह चेंजेस कर सकते हैं। आपकी माताजी आपको पूरा सपोर्ट करेंगी। आपको आपकी माताजी से प्रॉपर्टी का या पैसों का भी लाभ मिल सकता है। आप स्वयं को अपने अंदर से बहुत स्ट्रांग महसूस करेंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव मन का भी कारक है। 5 नवंबर 2019 से पहले जब गुरु का गोचर आपकी कुंडली में 8वें भाव में चल रहा था, तब आपने बहुत ही ज़्यादा मानसिक दबाव को झेला है। मान सम्मान के मामले में भी आपने बहुत नुकसान झेला है, किंतु इस समय गुरु के 10वें भाव में गोचर से आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी, आपकी प्रतिष्ठा व खोई हुई इज्जत आपको वापस मिलेगी। गुरु की 9वीं दृष्टि 6th हाउस पर होगी। इसके कारक मंगल व शनि हैं। शनि के साथ नीच भंग बनाकर बैठे गुरु की दृष्टि शनि के कारक भाव पर होने से आपको इस भाव से संबंधित कार्यों में भी लाभ ही मिलेगा। आपकी पुराने ऋण से मुक्ति इस समय में होगी। शत्रु आपके सामने झुक जाएंगे। मुकदमों में आपकी जीत होगी। पिता के व्यवसाय का लाभ मिलेगा। मामा व मौसी से भी आपको लाभ इस समय में हो सकता है। 11 मई से शनि मकर राशि में ही वक्री हो जाएंगे और गुरु अपने और ज़्यादा शुभ फल देने की स्थिति में हो जाएंगे। यदि आप टीचिंग लाइन में हैं तो आपको इस समय में बहुत ज़्यादा लाभ होगा। आप अपने काम के प्रति ईमानदार होंगे। कुल मिलाकर यह 3 महीने का समय आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। शनि के साथ गुरु का गोचर शनि के शुभ प्रभावों में भी तेजी ले आएगा, जो कि शनि आपको धीरे धीरे देने वाले हैं। आप निश्चिंत रहकर अपना कार्य करते रहिए। फल देना तो भगवान पर और आपकी किस्मत पर निर्भर करता है, जो कि इस समय बहुत अच्छी चल रही है। कुल मिलाकर मेष लगन वालों के लिए यह 3 महीने का समय बहुत अच्छा जाने वाला है। आपको इस अवसर का लाभ लेना चाहिए। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, और नए दर्शक मेरे चैनल वर्धमान एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।